आज की पहली अपडेट आ रही है रजनीकांत के मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर को लेकर, जिसका रिलीज डेट अनाउंस हो गया है। सो फिल्म की बात करें तो एक एक्शन थ्रिलर होगी जिसका निर्देशन दिलीप कुमार ने डायरेक्ट किया है। तो इसमें रजनीकांत के साथ शिवा राजकुमार, मोहनलाल, ऐश्वर्या राय, प्रियंका मोहन, त्रिशा कृष्णन, तमन्ना भाटिया, मीरना मोनन, जैकी श्रॉफ, रम्या कृष्णा और योगी बाबू लीड रोल में होंगे। ओह भाई, पूरा भारी भरकम पे स्टार कास्ट है यार। और फाइनली इसके रिलीज डेट की बात करें तो फिल्म 10 अगस्त को रिलीज होगी। सो इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जिमी शेरगिल की अपकमिंग फिल्म आजम को लेकर, जिसका ट्रेलर आउट हो गया है। सो फिल्म की बात करें तो एक एक्शन क्राइम थ्रिलर होगी जिसे श्रवण तिवारी ने डायरेक्ट किया है। तो इसमें जिमी शेरगिल के साथ अभिमन्यु सेन, इंद्रायणी सेन गुप्ता, राजा मुराद, साजी शिंदे और गोविंद नामदेव लीड रोल में होंगे। अब बात करें इसके रिलीज डेट की तो फिल्म 19 मई को रिलीज होगी और ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, अगर नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जहाँ शुक्रवार है तो कुछ बेहतरीन फिल्में रिलीज होने वाली है। सो एक करके सबका नाम और डिटेल्स बताते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है द केरला स्टोरी, जिसमें केरला की उन 32,000 लड़कियों की कहानी है जिसे ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर ISIS में ज्वाइन करवाया गया था, जिसे सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया है। तो इसमें आदा शर्मा लीड रोल में होंगी। देखो यार, ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। सो अगर टाइम मिले तो थिएटर जाकर मूवी जरूर देखना। अगली फिल्म है मार्वल स्टूडियो की गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि साईफाई एक्शन एडवेंचर मूवी होगी, जिसे जेम्स गुन ने डायरेक्ट किया है। तो इसमें क्रिस पैट, जॉय सल्दाना, विल पॉल्टर, कैरन गिलन, विन डीजल, सीन गोन और देव बतिस्ता लीड रोल में होंगे। अब और क्या बताएं यार, मार्वल की फिल्म है तो आंख बंद करके इसे थिएटर जाकर एंजॉय करो। अगली फिल्म है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की अफवाह, जो कि सोशल ड्रामा मूवी होगी और इसे सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। तो इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भूमि पेडनेकर, तापसी पन्नू, सारी भास्मी और सुमित व्यास लीड रोल में होंगे। सो अगर नवाज के फैन हो तो मूवी जाकर एंजॉय करो यार। अगली फिल्म है अलारी नरेश की अगरम, जो कि क्राइम थ्रिलर मूवी होगी जिसे विजय कर्मकदाला ने डायरेक्ट किया है। तो इसमें अलारी नरेश के साथ मीरना मेनन लीड रोल में होगी। सो अगर क्राइम थ्रिलर वाली मूवी देखना पसंद है तो मूवी एंजॉय करो। अगली फिल्म है गोपी चंद की राम बनम, जो कि रोमांस ड्रामा होगी जिसे ईश्वर रेड्डी ने डायरेक्ट किया है। तो इसमें गोपी चंद के साथ जगपति बाबू, नसर, खुशबू सुंदर और सचिन खेरकर लीड रोल में होंगे। सो अगर रोमांस ड्रामा के शौकीन हो तो थिएटर जाकर मूवी एंजॉय करो। अगली फिल्म है 2013, जो कि ड्रामा मिस्ट्री मूवी होगी जिसे एंथनी जोसेफ ने डायरेक्ट किया है। तो इसमें कंचाबियो बोबन के साथ आसिफ अली लीड रोल में होंगे। साथ ही इसकी कहानी 2018 में केरला में आई बाढ़ पर बेस्ड है। सो अगर रियलिस्टिक मूवी देखना पसंद है तो थिएटर जाकर मूवी एंजॉय करो। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।